आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस की जिन्हें आप रोज खाते होंगे पर शायद ही आपने कभी इनके बारे में सोचा हो या इन पर ध्यान दिया हो लेकिन आज इनका सच जानने के बाद आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे भी और खाने के समय 10 बार सोचेंगे भी डू नॉट ट्रस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स ब्लाइंडली And do not judge food products by their packaging. While there have been health concerns about titanium dioxide for some time, to CBS 17's Liz Ortiz is joining us now with concerns about food additives. Angela, lawmakers are concerned about the health risks associated with chemicals added to food, including red dye number three. California could become the first state in the nation to ban the sale, manufacture, or distribution of foods containing five chemicals linked to cancer risk. Thousands of chemicals are added to processed foods to provide freshness, taste, and is failing to protect the health of our children. हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे फूड ई के बारे में शायद आपने इनके बारे में सुना होगा या फिर कुछ लोगों को पता भी होगा लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होगा कि ये क्या है और हमारे खाने में इनका क्या रोल है तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये ई कोड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स ई कोड्स का पूरा नाम यूरोपियन यूनियन अप्रूव फूड एडिटिव है ई e कोड्स एक तरह के केमिकल एडिटिव होते हैं जो फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं ये केमिकल्स कुछ नंबर्स और अल्फाबेट्स की फॉर्म में आपके फूड प्रोडक्ट्स पर मेंशन किए जाते हैं अगर हम इन कोड्स को समझ लें तो हम अपनी खाने की क्वालिटी और सेफ्टी को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं कोड्स को आप एक तरह से खाने के पासपोर्ट कह सकते हैं क्योंकि ये आपके खाने की इंग्रेडिएंट लिस्ट में मैंशन होते हैं इनका इस्तेमाल खाने में उस इन्ग्रीडियंट की जगह किया जाता है जो नेचुरली नहीं मिलता या फिर हो सकता है कि वो इंग्रेडिएंट काफ़ी टाइम तक आपके खाने में ना टिका रह पाता हो तो ये ईकॉड्स e उसका केमिकल सब्सटीट्यूशन बन जाते हैं आसान शब्दों में अगर समझाऊं, तो ईकॉड्स e वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें आपके फूड प्रोडक्ट्स में उनका टेस्ट कलर टेक्स्चर एरोमा यानी खुशबू और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बट इनमें से बहुत से इकॉड्स यानी केमिकल्स आपको बहुत बीमार कर सकते हैं बहुत से ईकॉड्स आपकी किडनी लिवर हार्ट जैसे वाइटल ऑर्गन्स को खराब कर सकते हैं तो कुछ ईकॉड्स आपको ब्लड प्रेशर एंसोमिया एलर्जीज अस्थमा ओबेसिटी, डायबिटीज हार्ट डिजीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में भी ला सकते हैं तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इन ई e को कैसे पहचान सकते हैं तो इसके लिए आप आज के इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ध्यान से देखिएगा हेलो एवरीवन दिस इज अजय मलिक फ्रॉम माय चैनल द ट्रू चेज एंड हियर वी शूड द इश्यूज राइट एंड स्ट्रेट तो फ्रेंड्स इफ यू आर कॉन्सियस अबाउट यू एंड योर फैमिली टूडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड क्रूशियल फॉर यू so let's crack the dangers of e कॉर्ड्स today. so friends सबसे पहले आइए देखते हैं e की different series को और समझते हैं इनका purpose. Series e hundreds general food colors. इनका इस्तेमाल खाने को color देने के लिए किया जाता है series 200 हंड्रेड इनमें ज्यादातर preservatives and acids होते हैं और इनका काम खाने को खराब होने से बचाने में किया जाता है सीरीज ई मेनली इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या फिर एसिड रेगुलेटर्स ये खाने के खराब होने के प्रोसेस को धीमा कर देते हैं और इनका इस्तेमाल स्पेशली उन खाने के पदार्थों तो में किया जाता है जिनमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं सीरीज 400 हंड्रेड इंक्लूड्स एमलिफायर स्टेबिलाईजर्स एंड थिकनेस सीरीज 500, ये एंटी केकिंग एजेंट्स होते हैं या फिर एसिड रेगुलेटर्स और का इस्तेमाल खाने को जमने से रोकने में किया जाता है सीरीज ई सिक्स हंड्रेड इनमें ज्यादातर स्वाद बढ़ाने वाले ई e कोर्ट्स होते हैं और इनका काम खाने के स्वाद को बढ़ाना है और खाने की खुशबू को अच्छा करना है इसमें दूसरे अदर एडिटिव्स आते हैं ऑल दो ई कोड्स केमिकल को यूज करने की क्वांटिटी एंड क्वालिटी को इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज किया गया है जिससे कि ये नुकसान ना पहुंचा सके फिर भी ज्यादातर और मार्केटिंग के चलते इन प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स को ताक पर रखकर अपनी मर्जी से इन्हें यूज करते हैं और इंडिया में तो कुछ ऐसे ई e कॉर्ड्स जो कि यूरोप एंड अमेरिका में कब के बैन हो चुके हैं वो भी आज खुलेआम यूज हो रहे हैं मैगी कंट्रोवर्सी को कौन भूल सकता है जब देश भर के सभी स्टेट्स में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एमएसजी और लैड की क्वांटिटी प्रेस्क्राइब पैरामीटर से बहुत ज्यादा पाई गई थी और गवर्नमेंट को प्रेशर्स के चलते मैगी को बैन तक करना पड़ा था वैसे तो हार्मफुल ईकॉड और उनसे होने वाले नुकसान और बीमारियों के लिस्ट काफी लंबी है इन सबकी कंप्लीट डिटेल्स के लिंक्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं जिन्हें आप आराम से अच्छी तरह देख और समझ सकते हैं फिर भी कुछ सबसे डेंजरस ईकॉर्ड्स को हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं इनमें सबसे पहले है नंबर वन ई वन जीरो टू कॉड येलो कलर देने के लिए फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है गौरतलब बात यह है कि दिस ई कॉड इज बेन फ्रॉम यूज इन ऑस्ट्रिया इट इज यूज इन फूड एंड ड्रिंक्स इन इंडिया इट शुड बी अवॉइडेड बाई चिल्ड्रन और ये ज्यादातर मस्टर्ड जेली आइस कैंडीज फिजी ड्रिंक्स स्क्वैश, कस्टर्ड पाउडर एंड सूप्स में एड किया जाता है e e एक सिंथेटिक रेड कलर डाई है। ये ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में बैन किया जा चुका है जिनमें नॉर्वे जापान अमेरिका और स्वीडन है ये ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स में पाया जाता है लाइक like स्वीट्स ली एंड जेम दिस इज लिंक टू दाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन एंड दू के गवर्नमेंट रिकमेंड दैट चिल्ड्रेन में बी बेटर अवॉइडिंग इट बट इट कैन ऑल्सो कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन एडल्टू ई वन ट्वेंटी एलियोरा रेड यह एक रेड और ऑरेंज लाइक सिंथेटिक डाय है इसका इस्तेमाल खाने में कलर एड करने के लिए किया जाता है ज्यादातर ड्रिंक्स एंड स्वीट्स में इसका इस्तेमाल होता है इट इज लिंक्ड टू हाइपर एक्टिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन एलर्जिक स्किन रिएक्शंस इन एडल्ट्स ऑलरेडी बैन बैंड इन मेनी ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस जर्मनी बेल्जियम ऑस्ट्रिया नॉर्वे एंड स्वीडन बट इंडिया में इसका इस्तेमाल आज भी घड़लने से हो रहा है ई e 104 क्विनोलिन येलो दिस इज यूज इन द प्रोडक्ट सच एज स्मोक्ट हैड स्कॉ एग्स और काम इन सबको येलो कलर प्रोवाइड करना है यह भी बहुत सारे कंट्रीज में बैन किया जा चुका है जैसे जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे दिस इज फाउंड टू बी लिंक्ड विद हेल्थ एंड हाइपर एक्टिव प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन ई सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी मोनोसोडियम ग्लूटामेट इट इज वाइडली नॉन एज एम एस जी फ्लेवर एनहेंसर मतलब स्वाद को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है इट कैन कॉज सिम्टम्स लाइक हेड एक नोजिया डिजीनेस मजल पेन एंड इवन अदर जनरल पेन ई नाइन फिफ्टी वन एसपरटेन इसको हम सब आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम से जानते हैं ये ऐसे प्रोडक्ट्स में मिलता है जो डाइटिशियंस को ध्यान में रखकर या फिर डायबिटिक पर्सन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं like desserts low fat foods low sugar drinks snacks and sweets is side effects may not e 211 sodium benzoate e 211 is used as a preservative and it is found in the products such as margarine salad dressings soy sauce sweets and soft drinks स्टडीज में पाया गया है कि दिस इज लिंक्ड टू हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन प्लस इट मे कॉज रिएक्शंस इन द पीपल हु हैव एलर्जिक कंडीशंस और अस्थमा ई वन ब्लैक या ब्रिलियंट ब्लैक ई वन एक तरह की ब्लैक डाई है जिसका इस्तेमाल फूड को कलर प्रोवाइड करने में किया जाता है हाउ आर कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड इन अदर कंट्रीज़ जिसकी वजह से इसे एलर्जिक रिएक्शंस का कारण पाया गया और इसके चलते इसे बहुत सारे कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया अमेरिका जर्मनी नॉर्वे स्वीडन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस में भी बैन कर दिया गया ई वन ब्रिलियंट ब्लू यह ब्लू कलर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में किया जाता है जिनकी वजह से कुछ में एलर्जिक रिएक्शंस मिली है और इसको कंज्यूम करने के बाद बहुत सारे नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम हुई है ई वन और इस ई e नंबर को ऑलरेडी बहुत से कंट्रीज में बैन कर दिया गया है जिनमें ऑस्ट्रिया स्वीडन स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस जर्मनी और नॉर्वे आते हैं ई टू वन थ्री कैल्शियम बैंजुएट ई टू वन थ्री एक तरह का प्रजर्वेटिव है जिसका इस्तेमाल खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है इट इज यूज इन द फूड्स एंड इट्स दूडन फाउंड इन लो शुगर प्रोडक्ट्स लेकिन इसके इस्तेमाल से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स नोट किए गए हैं और कुछ एलर्जिक कंडीशन भी पैदा हुई हैं तो फ्रेंड्स यह थी डेंजरस इकॉर्ड्स e के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सभी ईकॉड्स e और इनसे होने वाले नुकसान की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक शेयर कर दी है अब सवाल यह है उठता है कि आखिर हम खाएं तो क्या खाएं तो मेरी नजर में इसका जो इजी सा सॉल्यूशन समझ आता है वह यह है कि जहां तक पॉसिबल हो सके नेचुरल फूड खाएं पैकेज फूड को जितना हो सके अवॉइड करें ऐसे सभी प्रोडक्ट से दूर रहें जिनकी शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी डेट्स होती है फ्रोजन फूड एंड मीट आइटम्स को भी अवॉइड करें घर का बना हुआ फ्रेश एंड सिंपल खाना खाएं तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी इफ यस yes, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगा तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट एंड स्टे टू